सभी महानुभावों को हार्दिक अभिवादन और नमस्ते। ओम सर्वे वेदा यद पदमामनांति त्वपंसि सर्वनीच यदुदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पतं संग्रहेण ब्रब्रवीमि ओम इति एत। आदर सम्मान के योग्य राउरकेला उड़ीसा आर्य समाज के सभी कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, हमारे माननीय महानुभाव जो मेरे बारे में आप लोगों को बता रहे थे और आप लोग ज़रूर देखे भी होंगे दूरदर्शन में यत्र तत्र, यूट्यूब में भी बहुत सारा वीडियो मेरा लगा हुआ है, ये बिल्कुल सही और सच्ची बात है कि मैंने जब सत को जाना तो ऋषि दयानंद के मान्यता अनुसार सत को धारण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्दत रहना चाहिए, ये लिखा है आर्य समाज के चौथा नियम में। मैंने उसी को अपने जीवन में उतारा और उसी पर ही चरितार्थ किया कि सत जब मैं देख लिया तो असत को छोड़ने में मुझे परेशानी नहीं हुई, मैंने पीछे मुड़ करके भी नहीं देखा, सत को अपनाते हुए मैं आगे बढ़ता गया और ऋषि व देव दयानंद के मंतव्यों को, विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का मैंने प्रतिज्ञा किया है। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि आज 38 वर्ष समाप्ति की ओर है इस प्रचार कार्य में और देश विदेश में बहुत बार जाने का अवसर मिला है। भारत में सभी प्रांतों में प्राय में प्रचार में गया हूँ और आपके उड़ीसा में बहुत कम आया हूँ। असल में उड़ीसा वाले शायद मुझे पसंद नहीं करते होंगे, इसलिए बुलाना नहीं चाहते या तो कोई और बात होगी, लेकिन राउरकेला आर्य समाज की ओर से मुझे पिछले दिन सूचना मिली कि पंडित जी 22 अगस्त को आप समय दीजिए, जूम ऐप के माध्यम से हमारा ये कार्यक्रम रहेगा। मैंने सहर्ष स्वीकार किया और आज आप लोगों के दर्शन में, आप लोगों के दर्शन के लिए, आप लोगों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए मैं जुड़ गया हूँ। आइए, ये जो पर्व है ये लगातार एक सप्ताह चलता है, इसको हम पखवाड़ा बोलते हैं, रक्षाबंधन से लेकर के जन्माष्टमी तक। रक्षाबंधन से लेकर के जन्माष्टमी तक ये संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु जहाँ जहाँ आर्य समाज है, वेद प्रचार सप्ताह के नाम से इस पखवाड़ा को जाना जाता है। वेद प्रचार सप्ताह अर्थात वर्षा का मौसम है, वर्षा का समय है, आना जाना लोगों का बाहर कम होता है, इसलिए समय को व्यर्थ न गंवाते हुए वेद का प्रचार प्रसार, वैदिक संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना, वेद में उपदेश क्या है, वेद क्या है, इन्हीं सब विषयों पर हमारे विद्वान जन दुनिया वालों को सुनाते रहे हैं और सुनाते रहेंगे। असल में हुआ ये कि वेद से लोगों ने अपनी दूरी बना ली, वेद क्या है इसको जानने का प्रयास नहीं किया, जबकि ये ज्ञान वेद का आदि सृष्टि से है। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि रचना के बाद मानव मात्र को ये ज्ञान दिया है, क्योंकि ज्ञान के बिना कर्म का किया जाना संभव नहीं है। इसीलिए पहले हम ऋग्वेद मानते हैं,
पर वेद मूलतः एक ही है, सब एक साथ है, कोई अलग अलग नहीं है और वेद चार भी नहीं है। वेद मूलतः एक ही है, चार कांड है, चार भाग है, चार विभाग है। ऋग्वेद ज्ञान कांड है, यजुर्वेद कर्म कांड है, सामवेद उपासना कांड है, अथर्वेद विज्ञान कांड है। ये चारों ऋषि ने आपस में बांट लिया, अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा। चारों ऋषियों ने अपने अपने अलग अलग विचार जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिसे हम वेद कहते हैं। वेद के माने है ज्ञान। ज्ञान किसका? परमपिता परमात्मा का। किनके लिए? के मानव मात्र के लिए। कितना? के मानव मात्र को जितना चाहिए, अर्थात हर एक की दिमाग की परिधि बराबर नहीं है, हर एक की दिमाग की परिधि एक समान नहीं है, इसलिए जो जितना ज्ञान उसमें से लेना चाहेंगे उतना ज्ञान ही उनको प्राप्त होता जाएगा। जैसा मुख्य रूप से एक श्लोक हम लेते हैं जो ये वेद नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत जगह इसके उपयोग में लेते हैं इसे, कि पूर्ण मदः पूर्णमिदाम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। इसका तात्पर्य हम ये लेते हैं कि पूर्ण वो है, पूर्ण ये है, पूर्ण से पूर्ण लेने पर भी पूर्ण बाकी रहता है, पूर्ण बचा रहता है। तो वो पूर्ण है परमपिता परमात्मा। किसमें पूर्ण है? कि ज्ञान में पूर्ण है। उनके ज्ञान में से ज्ञान निकालेंगे तो कमी नहीं आएगी, लेकिन दुर्भाग्य से आज इस जनमानस में परमात्मा का अंश मान लिया है लोगों ने, परमात्मा का अंश बता दिया। कल रात ही इस पर मेरी चर्चा हो रही थी एक से, तो परमात्मा का अंश जहां तक माना है ये सर्वथा अन्याय है। कैसा अन्याय है तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। कि लोग कहते हैं कि परमात्मा का अंश है, बाबा तुलसी ने भी कहा, लोगों के कहना तो और है, तुलसी को भी परमात्मा के बारे में पता ही नहीं था। परमात्मा का अंश माना है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी माना है, जबकि तुलसी को ये पता नहीं कि ईश्वर का अंश होना संभव ही नहीं है। ईश्वर कोई वस्तु नहीं है जिसका अंश हो। ईश्वर न ठोस है, न तरल है, न गैस है। लेकिन वही तुलसी फिर कहते, बिन पग चले सुने बिनु काना, वहां पर उसी निराकार का ही बखान किया है। इसलिए बड़े बड़े लोगों ने इस परमात्मा के बारे में या इन परमात्मा के बारे में मानव समाज को जानकारी नहीं दी है। सही सही जानकारी ना देने के कारण हम सब भटके हुए हैं। हम सब दिशा निर्देश करने के लिए हमारे जो रास्ता दिखाने वाले थे उन्होंने हमें सही और सच्चा रास्ता नहीं दिखाया। हम लोग धन्यवादी हैं ऋषिवर देव दयानंद के। ऋषिवर देव दयानंद के अनुयायी होने के कारण जब मैं बहुत नजदीक से देखा जाना परखा, तभी मैं इस सच्चाई को स्वीकार किया कि ऋषि व देव दयानंद ने ऐसी उलझी हुई बातों को बहुत आसानी से सुलझाया। इसीलिए हम लोग ऋषि दयानंद का नाम लेते हैं, ऋषि दयानंद का गुणगान गाते हैं कि इतना बड़ा काम ऋषि व देव दयानंद ने किया है, ये काम किसी और से नहीं हुआ। लोगों ने उलझाया तो जरूर, लेकिन सुलझाने का प्रयास नहीं किया। किंतु धन्यवाद दीजिए ऋषि व देव दयानंद को, ऋषि व देव दयानंद ने इस उलझी हुई बातों को सुलझाया और दुनिया वालों से कहा, कहे दुनिया के लोगों, आप लोगों ने परमात्मा को जानने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि परमात्मा को बिना जाने परमात्मा को माना संभव ही नहीं होगा। तो जानने के लिए जिस बाबा तुलसी को इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े कवि, इतने बड़े विद्वान मानते हैं, क्या तुलसी को ये जानकारी थी जो उन्होंने ये बता दिया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश बता दिया है? हमें ये विचार करना है कि सही अर्थों में ये बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक सच्चाई है इसमें।
अगर ईश्वर का अंश है, जब भी अंश होना संभव नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि अंश उन दशा में होना है, ठोस हो या तरल हो या गैस हो, इन दशा में आप अंश का ले सकते हैं, अंश को ले सकते हैं, अंश का होना संभव होगा, अंश का मानना भी संभव होगा। लेकिन परमात्मा तो ठोस नहीं है, तरल भी नहीं है और गैस भी नहीं है, तो किसका अंश निकाल दें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर अंश निकालेंगे तो अंश के अंदर में भी वही गुण होना चाहिए कि यहाँ से निकाल। जैसा उदाहरण के रूप में छोटा सा उदाहरण दे रहा, मेरे पास ये सत्ता प्रकाश है, मेरे पास ये सत्ता प्रकाश है, मैं इस सत्ता प्रकाश को खोला तो मैं एक पेज को यहाँ पर खड़ा किया, एक पेज को यहाँ पर मैंने खड़ा किया, और दुनिया वालों से जो मैं पूछूंगा वो ये है कि इस पूरी पुस्तक के पेज में जो गुण है, मेरे ऊंचे किए हुए पेज में भी वही गुण है या नहीं है। धरती पर कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि ये वो गुण नहीं है, क्योंकि पुस्तक के पेज सब पेज में एक ही गुण है, लिखावट अलग अलग है, लेकिन पुस्तक के पेज में जो गुण है वो गुण सब में, पूरी पुस्तक में, सभी पेज में बराबर है। इसमें भेद होना, अंतर होना संभव नहीं है। तो अगर यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है तो परमात्मा में जो गुण है वही गुण होना चाहिए था या नहीं, जरूर होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। ऋषि दयानंद ने इसको सुलझाया। ऋषि दयानंद ने कहा कि भाइयों, आप लोग इसे समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो समझना क्या है, ऋषि कह रहे हैं बस यही तो समझदारी है, हम मानव होने के कारण ही इसको समझना है। बोले क्या, बोले परमात्मा का अंश तो इसलिए नहीं होगा कि परमात्मा में जो गुण है वो गुण जीवात्मा में नहीं है। तो ऋषि ने केवल कहा ही नहीं अपितु वेद से प्रमाण प्रस्तुत किया। ओम हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूत से जाता पतिरेक आसीत सदा धार पृथ्वीं द्यामुते वाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। एक दो प्रमाण नहीं, ऐसे ऋषि दयानंद ने अनेक प्रमाण प्रस्तुत किया है कि वो हिरण्य गर्भ से लेकर के सभी सृष्टि की रचना करने वाला वो परमात्मा है। परमात्मा में जो गुण है वो गुण औरों में होना संभव नहीं है। बोले क्यों नहीं है, बोले इस मंत्र को भली भांति समझने का प्रयास करना। ओम द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसजाते तयोरन्यापि परम स्वादवत्ती अनश्नन्यो अभिचाकशीति। यहां ऋषि व देव दयानंद ने तीनों को अलग करके बताया कि तीन अलग है, तीनों अलग है लेकिन है समकालीन। और तीन कौन कौन सा, बोले ईश्वर, प्रकृति और जीव। ईश्वर, प्रकृति और जीव तीनों समकालीन है, तीनों अनादि तत्व है, तीनों का बनाने वाला कोई नहीं, यह स्वतः प्रमाण है, प्रतः प्रमाण है। तीनों में भेद इतना है कि परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है, जीव आत्मा में कुछ ज्ञान है और कुछ अज्ञानता है, और प्रकृति ज्ञान शून्य है। लेकिन है कब से, तो ऋषि कह रहे हैं समकालीन है। तो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया बताया कि एक दूसरे के सखा हैं, एक दूसरे के मित्र हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, कि समानम वृक्षम परिसंसो जाते बताया कि एक वृक्ष में ही विराजमान है, वृक्ष है प्रकृति, उस प्रकृति रूपी वृक्ष में जीवात्मा और परमात्मा दोनों मौजूद हैं। परमात्मा
अनश नन्नो अभिचाक्षीति, परमात्मा को खाना पीना नहीं पड़ता, अनशन करते हुए भी परमात्मा को दुनिया के सभी सामानों के बारे में, उसके टेस्ट के बारे में, जायका के बारे में, स्वाद के बारे में, लज्जत के बारे में परमात्मा को पता है, लेकिन जीवात्मा को अल्पज होने के कारण उसको खाए बिना चखे बिना पता लगना संभव नहीं है। ऋषि ने कितना सरलीकरण कर दिया। ऋषि ने कहा कि आए दुनिया के लोगों, इन छोटी सी बातों को जानना बहुत जरूरी है ये मानव मात्र के लिए। जो मानव होकर इस सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया, जो मानव होकर इस सच्चाई को जानना नहीं चाहा कि वो मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे, ये मैं दावा के साथ कह रहा हूं, वो मानव बनने के अधिकारी नहीं बनेंगे। बोले मानव बनने का अधिकारी क्यों नहीं बनेंगे, तो बोले इसको समझो, प्रकृति क्या है, सतरज तम की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है, और इसमें ये गुण क्या है, 24 गुण होते हैं इसमें, महत 1, अहंकार 3, तन्मात्रा 5, इंद्रिया 10 और महाभूत 5, जीव आत्मा, ये सब मिला करके 24 है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ऋषि दयानंद ने इसी का स्पष्टीकरण दिया और दुनिया वालों के सामने रखा कि इन प्रकृति, जीव और ईश्वर, इन तीनों को जाने बिना मानव कहलाना संभव नहीं होगा। मानव होने के कारण इन तीनों को जानना पड़ेगा और इसे ही शिक्षा कहते हैं, इसे ही विद्या कहा जाता है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि इसी का नाम विद्या है, कि विद्या के विषय में कहते हैं कि इसका पूर्ण रूप, पूर्व रूप आचार्य हैं और अंतर्यामी अर्थात भीतर के में बसने वाला वह परमात्मा उसका उत्तर रूप है। विद्या संधि है, प्रवचन संधान है और विद्या विषय है। देखिए यहाँ कितना सुंदर स्पष्टीकरण दिया तैतरीय उपनिषद में। तैतरीय उपनिषद में इनको अलग अलग करके बताया कि विद्या क्या है, कि विद्या का एक आचार्य है जो आचार्य अंतर्यामी है, आचार्य है अर्थात जो भीतर बसने वाला है, इसका भी इसको भी खोल दिया, जो भीतर बसने वाला है वो देखने की वस्तु नहीं है, क्योंकि वो आँख का विषय नहीं है, वो आत्मा का विषय है और आत्मा को परिष्कृत कर किए बिना उसका देखा जाना संभव नहीं है, इसलिए योग साधना होता है, यम नियम आसन प्रणायाम प्रत्याधारणा ध्यान समाधि, वो योग का विषय है, पतंजलि ऋषि का विषय है। तो यहाँ पर बसने वाला इसका उत्तर रूप है, विद्या इसका संधि है। विद्या क्या है, जोड़ना, संधि माने जोड़ना, विद्या जोड़ता है दोनों को, किनको किनको, आचार्य को और विद्यार्थी को, अर्थात परमात्मा का उपदेश इन जीवात्मा के लिए है, तो जीवात्मा और परमात्मा को जोड़ता कौन है, बोले उसका नाम विद्या है। लेकिन हमने तो यहां विद्या को जानने का प्रयास नहीं किया। और प्रवचन क्या है, कि प्रवचन संधान है, जैसा हालांकि मुझे ये लिंक पहले भेजा गया था, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो आज फिर मैंने माननीय महाशय जी से कहा, चिंतामणि जी से, कि आप लिंक भेज दीजिए, तो उन्होंने भेज दिया, तो उन्होंने भेज दिया क्या करने के लिए, आप लोगों से जुड़ने के लिए, ये संधान है। मैं अगर इसको संधान नहीं किया होता, इसको मैं नहीं खोजा होता, तो आप लोगों के साथ जुड़ना भी संभव नहीं था। आप लोगों के जुड़ने के लिए हमें ये प्रवचन जो है संधान है,
खोज है। प्रवचन खोज किसका है? दोनों को जोड़ने का। फिर अच्छी तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। दोनों किनको किनको? परमात्मा और जीवात्मा को। परमात्मा और जीवात्मा दोनों को जोड़ने का संधान क्या है? प्रवचन। और विद्या क्या है? संधि है, मिलाना। और प्रवचन है संध्यान। ये सब विद्या का विषय है, लेकिन इस विद्या को तो लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया। परमात्मा को बिना जाने ही परमात्मा का अंश बता दिया जीवात्मा को। अब जरा ठंडे दिमाग से हम विचार करें कि अगर परमात्मा का अंश ये जीवात्मा है, तो एक जगह अग्नि की ढेर लगी है, जैसे आप लोगों ने अभी यज्ञ किया, वो यज्ञ के पश्चात वाला प्रार्थना जो आप बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं, पूरे आर्य समाज में बोला जाता है, वो भी मैं अभी सुना। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। यार ये समाजी कब से बोल रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर मालूम हो गया है कि ये केवल कहने के लिए बोलते हैं छल कपट को छोड़ दे, लेकिन छल कपट इन लोगों से छूटा नहीं आज तक। अगर यही छल कपट छोड़ देते होते तो आज हर एक प्रांतों में दो दो तीन तीन सभाएं, सब जगह झगड़ा और सब जगह मारामारी, संपत्ति के लिए, संपत्ति के नाम से ये सब कुर्सी पर आसन जमाए बैठे ना होते। ये छल कपट छोड़ दे, वो शायद अपने लिए भी नहीं बोलना, छोड़ दे वे, वो दूसरे को दिखा रहा है, दूसरा कोई छल कपट छोड़े, हम तो लिए फेरे इसको, तो ये गलत हो रहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। खैर, तो मैंने निवेदन किया, इसी परमपिता परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए ये सब साधन है। तो आप लोगों ने यज्ञ किया है, उस यज्ञ कुंड में अभी भी अग्नि है, उसमें से जरा से अग्नि के कण को निकालेंगे तो हमारे और आपके निकाले हुए आग में वही हम पाएंगे, यानी वही गुण, यानी यज्ञ कुंड में जो अग्नि है वही अग्नि का गुण हमने निकाले हुए अग्नि में पाएंगे या नहीं? कोई मना नहीं कर सकता कि ये नहीं हो। यजकुंड के अग्नि में जो गुण है, वहां से निकाली हुई अग्नि में भी गुण वही पाया जाना संभव है, वही पाया जाता है, वही पाया जाएगा, गुण अलग नहीं होगा। तो अगर ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, तो जीव परमात्मा में जो गुण है वो गुण जीवात्मा में क्यों नहीं है? कल रात एक वैष्णवी से मेरी चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि कृष्ण को ईश्वर माना है। मैंने कहा कृष्ण को ईश्वर कैसे माने? बोले कृष्ण तो परमात्मा का अंश है। तो मैंने कहा कृष्ण परमात्मा का अंश है और कृष्ण का जन्म कब हुआ था? बोले ये भागवतम में यही लिखा है। मैं मैंने भागवतम है या भागबटन है? बटन माने ये बताम, जिसको हम लोग उड़िया भाषा में और बंगला भाषा में भी बोताम बोलते हैं। तो मैंने बोला ये भागवतम कब लिखा गया? राम के काल में था क्या? नहीं। तो भागवतम पर आप विश्वास कर रहे हैं, उससे पहले कौन सी किताब थी? योगेश्वर, कृष्ण ने जब गीता लिखी तो गीता पढ़ने के बाद लिखा गया या पढ़ने से पहले गीता लिखी गई? तो योगेश्वर, कृष्ण अगर गीता लिखे पढ़ने लिखने के बाद, तो उनकी पढ़ाई क्या थी? क्या पढ़ाई किया था उन्होंने? ऋषि संदीपन के आश्रम में उन्होंने पढ़ाई कौन सी की थी? तो बोले वेद की पढ़ाई की थी। तो जब वेद की पढ़ाई की थी तो उस वेद प्रचार उन्होंने किया, वेद उपदेश उन्होंने दिया, उस पे आप अमल नहीं करेंगे। ऋषि दयानंद जो, यानी योगेश्वर कृष्ण जो पढ़े थे वो हम नहीं पढ़ेंगे, हम भागवतम पढ़ेंगे। तो ये जो बातें हो रही है ये बहुत ही गलत बातें हो रही है कि मैंने बोला कि कृष्ण से पहले ईश्वर कौन था? बोले नारायण था। मैंने कहा कि मान लेता हूं, नारायण भी हम मानते हैं, नारायण को हम मानते हैं, क्योंकि वो नारायण है और हम नर हैं।
अगर वो नारायण ना हो तो हम नर भी नहीं होंगे। तो नर और नारायण का संपर्क क्या, संबंध क्या होना चाहिए? तो नर और नारायण का संपर्क ये है कि नारायण वो नर के रक्षक हैं, और यही ओम नाम इसीलिए मुख्य नाम बताया गया कि सर्वरक्षक। ओम नाम जो मुख्य नाम है परमात्मा का, वो सर्वरक्षक उसका अर्थ है। इसलिए अगर नारायण को हम मानते हैं तो फिर वो कहने लगे कि कृष्ण जब जन्म हुए थे उनका चार हाथ था, तो मैंने कहा दो कहाँ गए? तो बोलो वो जमुना पार करते हुए दो हाथ उनके समाप्त हो गए। तो मैंने कहा कि जरा गंभीरता से इस बात पर चिंतन करना, गंभीरता से विचार करना, जिसको आप ईश्वर मान रहे हैं तो वो ईश्वर कैसे जिन्होंने अपने हाथ को ही नहीं बचा पाया? देखिए लोगों की बुद्धिमानी, लोगों की बुद्धिमत्ता देखिए। जिन्हें आप ईश्वर मान रहे हैं और बोले गंगा में जमुना में पार करते समय उनके हाथ निकल गए, तो जब हाथ निकल गए इसका मतलब यह हुआ वो हाथ आर्टिफिशियल था, असली हाथ को निकाला जाना संभव नहीं होगा। असली हाथ को निकाला जाना संभव नहीं होगा तो जो आर्टिफिशियल हाथ दो और ऊपर से लगाए थे वही दो हाथ निकल गए। और ये तो ईश्वर की बात मैं कर रहा हूं। जो लोग अकल के दुश्मन हैं, ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि वो मानवता के दायरे में आ ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अकल से काम नहीं लिया, उन्होंने बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। अगर बुद्धि का प्रयोग करते होते तो ऐसी बेतुकी बातों को योगेश्वर कृष्ण के साथ ना जोड़ते। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो आज मानव समाज में उसी ईश्वर के नाम से महज दुकानदारी चल रही है, दुकानदारी कर रहे हैं। तो बोले नारायण, बोले वो विष्णु है। तो मैंने कहा विष्णु को हम भी मानते हैं, विष्णु जो विचरण करते हैं, जो विचरण करने वाले हैं उनका नाम विष्णु होता है, तो विचरण करने वाले का नाम विष्णु है। हम भी तो परमात्मा को वही कहते हैं कि परमात्मा का नाम विष्णु है, परमात्मा का नाम नारायण है, परमात्मा का नाम शिव भी है, शिव के माने कल्याणकारी। तो जरा इस पर विचार करना पड़ेगा। जब ईश्वर अंश जीव अविनाशी बोल रहे हैं, ईश्वर का अंश माना जा रहा है जीवात्मा को, तो जीवात्मा अल्पज है। तो मैंने बोला अच्छा नारायण ने दुनिया बनाई? बोले हाँ। बोले सृष्टि की रचना? बोले हाँ नारायण से हुआ है। मैंने कहा कि आप अगर सृष्टि की रचना नारायण से हुआ है ये मान रहे हैं और योगेश्वर कृष्ण को ईश्वर मान रहे हैं? बोले हाँ। पर मैंने कहा कि मक्खी का एक टांग बताया हो योगेश्वर कृष्ण कहीं पर, वो हमें बताइए कि योगेश्वर कृष्ण के द्वारा एक मक्खी का टांग भी बनाया गया हो कहीं, उसका हवाला दीजिए। नहीं बता पाया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऋषि दयानंद इसीलिए रोक रहे हैं। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि लोगों परमात्मा का ये उपहास ना करो, परमात्मा को जानो पहले। परमात्मा को जाने बिना किसी को परमात्मा कह देना संभव नहीं होगा। अगर कृष्ण को ईश्वर मान रहे हैं फिर राम को भी ईश्वर माने बैठे हैं, भाई राम को ईश्वर की ओर कैसे माना जा रहा है? और कृष्ण और राम दोनों का काल अलग था और इन लोगों ने दोनों को एक साथ जोड़ दिया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल दिया, और कृष्ण को पहले कर दिया और राम को बाद में कर दिया, जबकि दोनों का काल एक साथ नहीं था, एक समय समकालीन दोनों नहीं थे, तो दोनों का नाम एक साथ जुड़ना ये क्यों और कैसा संभव हुआ? जैसे मैं आज 22 तारीख को, 22 अगस्त को रविवार के दिन सुबह 9 बजे 9:30 बजे राहुल किला आर्य समाज के सत्संग में जुड़ा हूँ और सत्संग में सभी जुड़े हुए लोगों से मेरा परिचय हो रहा है।
सत्संग के सभी जुड़े हुए लोगों से मैं विचारों का आदान प्रदान कर रहा हूँ। तो मेरे नाम या मेरा नाम आप सभी अधिकारियों के, आप सभी श्रद्धालुओं के साथ जुड़ जाए तो बात है, लेकिन कोई ये कहे कि महेंद्र पाल ही नहीं, महेंद्र पाल का बाप भी था वहां पर, बताइए संभव होगा? मेरे पिता के साथ आप लोगों का कोई ताल्लुक है? मेरे पिता के साथ आप लोगों का कोई संपर्क और संबंध है? या वो हमारे काल में है, इस समय है? नहीं। तो जब इस समय नहीं है, उनका नाम का जुड़ना ये क्यों और कैसा संभव होगा? दोनों को, राम और कृष्ण को, दोनों को एक साथ जोड़ना ये क्यों और कैसा संभव होगा? इसलिए बड़ा अनर्थ हो रहा है। ऋषि दयानंद यही कह रहे हैं, ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि दुनिया के लोग हो, परमात्मा क्या है पहले जानो, कि परमात्मा को जाने बिना किसी को परमात्मा कह देना ये सरासर गलत है, मानवता पर कूठा लगात है। और मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो परमात्मा को जान सकते हैं। परमात्मा को जानने के लिए ये सौभाग्य केवल और केवल मानव को प्राप्त हुआ है। मानव के इतर जितने भी योनियां हैं परमात्मा को प्राप्त ना कोई कर सका, ना कोई कर पाएगा, और ना किसी के करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं। और ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि मानव का संपर्क और संबंध परमात्मा से जुड़ना चाहिए, इसे संधि ऋषि दयानंद ने किया कराया है। ऋषि दयानंद बतला रहे हैं कि मानव का संपर्क अगर परमात्मा से नहीं जुड़ा, परमात्मा को नहीं जाना, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त नहीं किया, तो वह मानव कहलाने के हकदार नहीं है। इसीलिए ऋषि ने ढूंढ करके दिया, ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानी वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शाना स्थिति धामन्न धैर्यंत। वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक। ऋषि दयानंद क्या अर्थ लिख रहे हैं यहां पर? लेकिन हमारे आर्य समाज में तो ऋषि दयानंद के किए हुए अर्थ को बोला नहीं जाता, गीत गाते। अब उस गीत के साथ इसका अर्थ का मेल भी नहीं हुआ है, मैं सच्चाई बता रहा हूं। जो कविता बोलते हैं, पद में गाते हैं, उसके साथ ऋषि दयानंद ने जो अर्थ किया उसका मेल नहीं हुआ। कहे दयानंदो वह परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान, क्यों? कि वेद में ही आया है, तम हिना पिता वसो तम माता शतगत बभो विता दाते सुमनमी महे। परमात्मा को माता पिता बंधु और सखा कहा गया, इसलिए ऋषि कह रहे हैं सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम स्थान और जन्मों को भी जानता है। कौन? बोले उसी का नाम परमात्मा है। स्थान नाम सब जानता है, क्यों? कि वो सबका गुरु है, पूर्व शाम आपि गुरु। परमात्मा के लिए कहा गया है, वो परमात्मा सबका गुरु है, आचार्य है, राजा है और न्यायाधीश भी है। तो क्या करना चाहिए? ऋषि कह रहे हैं इसीलिए सब मिलकर उसी की उपासना करनी योग्य है, परमात्मा को छोड़कर और किसी की भी उपासना ना करो। और ये उपासना करने का सौभाग्य केवल मानव को प्राप्त हुआ है। मानव को किसी का शुक्रिया अदा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मानव को छोड़ करके और एक दूसरे को धन्यवाद देने के लिए किसी प्राणियों में यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए याद रखिएगा कि आज जो लोग ईश्वर को मानना नहीं चाहते, जो अपने को नास्तिक बतलाते हैं, हालांकि उन्हें नास्तिक कोई शब्द नहीं है, मैं बता चुका हूं, लेकिन देखना जरा विचार करके, जो आत्मा को नहीं मानते वो ब्रेन को बता रहे हैं, वो ब्रेन को अपने आत्मा मानते। भैया ब्रेन तो आपका है, पर आप कौन हो वो नहीं बता पाएंगे। हम जो बोल रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर में कोई यंत्र है जिस यंत्र के माध्यम से हम बोल रहे हैं। और यही हुआ कि आज धरती पर मानव अनेक जीव जंतु को ट्रेनिंग देता है। और मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूं
कि मानव अनेक जीव जंतु को ट्रेनिंग देता है, जैसा ट्रेनिंग देता है वो वैसा ही करता है, लेकिन किसी जीव जंतु में वो ताकत नहीं, वो शक्ति नहीं कि दूसरे जीव जंतु को ट्रेनिंग दे। किसी अन्य जीव जंतु को ये पता ही नहीं, ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ वो किसी और को सिखाए, नहीं सिखा सकता। इसीलिए सिखाने का काम केवल और केवल मानव का है। मानव को छोड़ करके दूसरे को सिखाने का काम, इसलिए मैंने संधि बोला ना, उसका नाम विद्या है और जोड़ना संधि है, और दोनों को यानी जीवात्मा और परमात्मा दोनों को ही मिलाया गया यहां पर, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का सानिध्य लाभ करता है, परमात्मा का खुशनुदी को प्राप्त करता है। ये है तारतम्य मानव जीवन का। मानव जीवन का इन तारतम्य को अगर दुनिया वालों के सामने किसी ने उजागर किया तो उस ऋषि का सर परिणाम ऋषिवर देव दयानंद था। अगर ऋषिवर देव दयानंद का आगमन ना हुआ होता तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि न मैं होता और ना आप होते। दयानंद का आगमन अगर ना हुआ होता तो हम और आप ना होते, और हम और आप होते भी तो ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करने वालों में से न होते, ईश्वर को जानने वालों में से न होते। इसीलिए याद रखिएगा, परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र को सबसे उत्कृष्ट प्राणी इसलिए बनाया, क्योंकि ये परमात्मा को जान सकता है, परमात्मा की उपासना कर सकता है, परमात्मा का सानिध्य लाभ कर सकता है, परमात्मा का गुणगान गा सकता है। ये केवल मानव 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 जिसका नाम पड़ा, मानव से इतर और कोई नहीं। इसलिए मैं चाहूँगा कि ऋषि व देव दयानंद ने हमें जो ताकीद किया है, हमें जो उपदेश दिया है, उसे हम आत्मसात करें और मानव जीवन को सफल से सफलतम की ओर ले जाने का प्रयास करें। मैं तो समझ रहा हूँ कि शायद जो समय आप लोगों का था वो समाप्त हो रहा है, फिर भी मैं चाहूँगा कि आज रक्षाबंधन है, इस पर दो शब्द मैं ज़रूर बोलूँ। रक्षाबंधन आज के इस श्रावणी पर्व के मूल उद्देश्य जो वेद प्रचार था, उस वेद प्रचार के संदर्भ में मैंने अब तक जो कुछ भी बोला आप लोगों के बीच में, अब रही बात रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन क्या है, इसको भली भांति जानने का प्रयास करेंगे। मैं जब ऋषि सिद्धांत रक्षिणी सभा का मंत्री था और ऋषि सिद्धांत रक्षक पत्रिका का जब मैं संपादन करता था, मैं उसमें लिखा, बहुत बार लिखा कि रक्षाबंधन हम लोग क्या मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, कि बहन धागा बांधती है भाई के हाथ में और भाई को रक्षक समझ करके धागा बांधा जाता है। लेकिन मैं आज आप लोगों को सच्चाई बता दूं कि भाई बहन का रक्षक ना था ना है और ना होना संभव है। भाई बहन का रक्षक नहीं है, और मैं अपनी पुस्तक में लिखा हूं, जो मेरी एक पुस्तक है मस्जिद से यज्ञशाला की ओर, उस पुस्तक में मैं लिखा भी हूं कि भाई बहन का रक्षक कभी ना था ना है और ना होगा। भाई का संबंध बहन के साथ उतना ही है जो विवाह संस्कार में लाज होम में जो आहुति डालते हैं, जो खील के आहुति डालते हैं उतना ही संबंध है, या लाठी लेकर के बैठने का उतना ही संबंध है विवाह संस्कार में। विवाह संस्कार के साथ भाई का उतना संबंध है, बाकी विवाह से पहले बेटी का रक्षक पिता है, लड़की का रक्षक पिता है, और विवाह के बाद पति है, भाई का रोल कहाँ है? भाई का संपर्क यहां कहां से आया? भाई का संपर्क तो यहां है नहीं। तो बोले भाई बहन के रक्षक है, इसीलिए बहन के हाथ में। तो भाई चलो, कोई बिना शादीशुदा वाली अगर करे तो करे, लेकिन शादीशुदा महिलाएं अगर भाई को रक्षक मानकर भाई के हाथ में रक्षा बांधती हैं तो क्या पति के साथ न्याय होगा या अन्याय होगा?
पति नहीं बोलेगा क्या कि क्या मैं तुम्हारा रक्षा करने में असमर्थ हूं? पाल रहा हूं मैं, खा रही हो मेरे पास, पहन रही हो मेरे धन से, सारा काम मैं ही कर रहा हूं, साल भर तुम हमारे पास हो, तुम्हारा खाना पीना उठने बैठने सब ले करके मैं ही ख्याल रखता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें कभी किसी प्रकार का कोई भी असुविधा परेशानी ना हो। तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूँ। और आज तुम साल में एक दिन भाई को रक्षक मान करके भाई के हाथ में रक्षा बांध दो, ये सरासर अवैधिक तरीका है। वैदिक परंपरा में ये नहीं है बिल्कुल, इसे जानने का प्रयास करना। और वो दधीची के बारे में आप देखेंगे तो वहां पर भी यति ने अपने पति के हाथ में रक्षा बांधी थी कि पति ही रक्षक है। तो ये जो काम हो रहा है ये सारा काम उल्टा हो रहा है। और उल्टा काम तो ये करने के कारण ये ईश्वर से भी दूर हैं, सत्य से भी दूर हैं, वेद से भी दूर हैं, मानवता से भी दूर होते चले हैं। आप कहेंगे कैसे मानवता से दूर होते चले? अरे भाई, मानवता से दूर हो रहे हैं ये तो हम देख ही रहे हैं ना। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? क्या वो मानवता का प्रचार है? जो इस्लाम वाले अपने को शांति का प्रतीक मानते हैं, क्या इसी का नाम शांति है जो अफगानिस्तान में हो रहा है? इसे आप शांति कहेंगे? इसे आप शांति मानेंगे आप? और भारत में बैठे बैठे कुछ लोग उन्हीं की तरफदारी करने में लगे हैं, मैं वीडियो बना के दिया हूं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मानवता पर कुठाराघात क्या है? किसको हम बोलेंगे मानवता पर कुठाराघात है? मानवता पर कुठाराघात वो है जहां पर मानवता की रक्षा न हो, जहां पर मानवता की कत्ल की जाती हो, मानवता की हत्या की जाती हो, उसका नाम मानवता विरुद्ध है। तो मानवता विरुद्ध आचरण करने के बाद भी आप कहेंगे तो उनकी तो मान्यता है, वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो कुरान के अनुसार कर रहे हैं। वकातिलु हक्का ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीन लिल्लाह, जब तक अल्लाह का दीन तमाम दुनिया में फैल ना जावे, काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल करो। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा है। वलियुमहसल्लाहु लजीना आमनू अम हक्कल काफिरीन, काफिर के दिन में हम पर्दा डाल देते हैं, काफिर को जहां पाओ वहीं यातना दे दे करके मारो। लेकिन काफिर को मारो तो बात है, पर मैं उन अफगानिस्तान में उन आतंकवादियों के लिए कह रहा हूं, कुरान साक्षी है, एक मुसलमान दूसरा मुसलमान को मारना, कत्ल करना कतई हराम है। जब अल्लाह ने खुद मना किया कि एक मुसलमान दूसरा मुसलमान को कत्ल करना कतई हराम है, तो वो वहां पर मुसलमानों को मार रहे हैं, काफिरों को तो मार ही रहे हैं, मुसलमानों को भी मार रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं को भी मार रहे हैं, जो क्या हो रहा है? और अल्लाह ने कुरान में खुद कहा वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह ताला पसंद नहीं करते हैं दुनिया में जो लोग फसाद फैलाते हैं, ऐसे फसाद फैलाने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करते। तो जब अल्लाह ऐसे फसाद फैलाने वाले को पसंद नहीं करते हैं और फिर भी ये लोग अल्लाह वाला कहकर वो फसाद फैला रहे हैं, ये हो क्या रहा है? इसलिए ऋषि दयानंद ने बोला कि आत्म सर्वभूतेषु, वेद से उठा करके दिया, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना, ये मानवता है। अर्थात महाभारत की भाषा में कहा गया है आत्मा नाम प्रतिकूलाने परिशाम ना समाचरेत, जो अपने आत्मा के लिए सही ना लगे ऐसे विचार औरों के लिए भी अपने दिल में ना लाना। ये है। तो आइए, ऋषि दयानंद के हम सब अनुयायी हैं और ऋषि दयानंद के अनुयायी होने के कारण हम वेद के माध्यम से इस सच्चाई को जाने, वेद के माध्यम से इस सच्चाई से जुड़ें, वैदिक परंपरा से जुड़ें, वैदिक मान्यता से जुड़ें, ऋषि व देव दयानंद के मंतव्यों से जुड़ें। क्योंकि ऋषि व देव दयानंद का आगमन अगर न हुआ होता तो इस वैदिक ऋचाओं को हम नहीं पाते, इस वैदिक सत्यता को हम नहीं पाते, वैदिक मंतव्यों को भी हम नहीं पाते।
हमारा और आपके लिए ये कर्तव्य बन जाता है कि ऋषि दयानंद के अनुयायी होने के नाते हम अक्षरशः ऋषि व देव दयानंद के विचारों को अपने जीवन में उतारें और मानव समाज में भी इसको प्रचारित प्रसारित करें। क्यों? ऋषि की मान्यता ये रही, जद जपोती तद कार्य करोति, जैसा बोलो वैसा काम करो। लेकिन मैं बोला ना कि यहाँ विशेष करके आर्य समाज के लोग, जब आर्य समाज के प्रवर्तक थे ऋषि व देव दयानंद, किसी को मानना हो या ना हो, लेकिन आर्य समाजी कहलाने वालों को तो मान लेना चाहिए था ऋषि दयानंद के विचारों को। पर ये ऋषि दयानंद ने बोला जद जपोती तद कार्य करोती, जैसा बोलो वैसा काम करो, लेकिन ये बोल रहे हैं छोड़ दे वे छल कपट को, वो दूसरे को छल कपट छोड़वा रहे हैं अपने लिए नहीं। तो ये सारा काम गलत हो रहा है, इन गलत कामों को करेंगे तो बात बनेगी नहीं। ऋषि दयानंद ने इसलिए बोला है मनस से एकम, वचनस से एकम, कर्मण एकम। मन, वचन और कर्म ये तीनों एक होना चाहिए। जैसे आप अपने जुबान से उच्चारण करें, आपके मन के अंदर में भी भावना वही हो और आपका व्यवहार भी वैसा ही हो, इससे मानव मात्र का कल्याण होना संभव होगा। तो मैं नहीं चाहूँगा और अतिक्रमण करता हुआ आप लोगों के समय को ज़ाय करूँ। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं अपने अधिकारियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग अपने घर का काम काज छोड़ करके इस आर्य समाज के सत्संग में जुड़े, कार्यक्रम में जुड़े, राउरकेला आर्य समाज के प्रांगण में जुड़े, और बहुत से लोग जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं आप सब लोगों का धन्यवादी हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और हाथ जोड़ करके विनती भी यही करूँगा कि हम ऋषि दयानंद के अनुयायी होने के कारण ऋषि दयानंद के विचारों को अक्षरशः हमें मान लेना चाहिए, अक्षरशः उस पर अमल करना चाहिए। छोड़ दीजिए इन झंझटबाजियों को, जो झंझटबाजी कर रहे हैं उनको करने दीजिए, जो आर्य समाज के संपत्ति को ही अपना लक्ष्य मान रहे हैं मानने दीजिए, उनको करने दीजिए, लेकिन हम अपने आप ही सही हो जाएं, हम अपने आप दयानंद की विचारधारा से प्रभावित हैं और उसे आचरण में लाएं, उसे अपने जीवन में उतारें और जीवन में उतार करके अपना जीवन को सफल बनाएं, अपने परिवार को भी सफल बनाएं और जनमानस का भी कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की